सीधी जिले में पत्रकार कनिष्क तिवारी और अन्य लोगों के खिलाफ सीधी कोतवाली थाना प्रभारी मनोज सोनी और अमिलिया थाना प्रभारी अभिषेक सिंह द्वारा अमानवीय कृत्य लॉकअप में बंद करके अर्धनग्न फोटो खींचकर वायरल किया जाना, इसके विरोध में पत्रकार कनिष्क तिवारी ने अपने फेसबुक पोस्ट पर अपनी मदद के लिए भावनात्मक अपील की थी, जिसके बाद सिंगरौली कांग्रेस के नेता रूपेश चंद्र पांडे, प्रवीण सिंह, सूर्या द्विवेदी, डब्बू सिंह चंदेल सहित अन्य सैकड़ों कांग्रेसियों ने सिंगरौली कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि जिस तरह भाजपा की सरकार में पुलिस निरंकुश हो गई है और भाजपा सरकार में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार भी सुरक्षित नहीं हैं, पत्रकारों को जिस तरह अमानवीय तरीके से लॉकअप में बंद करके उनकी अर्धनग्न फोटो खींचकर वायरल की गई, वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का सरासर उल्लंघन है। कांग्रेस के नेताओं ने मांग की है कि जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जिले में चौथे स्तंभ मीडिया साथियों के साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार के खिलाफ ज्ञापन। महोदय, जैसा कि विदित है, पिछले दिनों सीधी जिले में पुलिस प्रशासन द्वारा देश के चौथे स्तंभ मीडिया साथियों के कपड़े उतरवाकर उनके फोटो वायरल किए गए, जो बिल्कुल अमर्यादित व्यवहार है, जिससे पुलिस का वास्तविक और गैर जिम्मेदाराना चेहरा सामने आया है, जिसकी जिला कांग्रेस कमेटी सीधी में जो विगत दिनों पत्रकारों के साथ अमानवीय कृत्य करते हुए सीधी के कोतवाली के टीआई के द्वारा जो बहुत ही घिनौना कृत्य किया गया पत्रकारों के ऊपर, थाने में 18 घंटे से ऊपर बैठा करके रखा गया, उनके साथ थर्ड डिग्री का प्रयोग किया गया, साथ ही उनको पूरे बदन से कपड़े उतवा करके फोटो वायरल की गई। इस संबंध में आज हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं और उसमें स्पष्ट मांग किए हैं कि उनके ऊपर आपराधिक धाराओं के तहत कार्रवाई किया जाए। मेरा नाम कनिष्क तिवारी है। आज पूरी दिन मुझे दिल्ली, भोपाल, हर जगह के मीडिया कर्मियों का फोन आया है। मेरे द्वारा सभी सच्ची घटना उनसे अवगत कराई गई है, बताई गई है, किंतु मेरे को और मेरे परिवार को लगातार धमकी मिल रही है और ये कहा जा रहा है कि बेवजह फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे, तुम लोगों के ऊपर हमला करवा देंगे और कुछ पूरा परिवार हमारा डरा हुआ है। कृपा करके सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए और साथ में मुझे ये पुलिस के एक सूत्र के द्वारा बताया गया है कि तुम्हारे ऊपर भी फर्जी FIR जो है लॉन्च पुलिस करने की तैयारी कर रही है, जिससे मतलब मुझे गिरफ्तार किया जा सके और ये पूरी तरह से फर्जी षड्यंत्र किया जा रहा है। उसके लिए भी आप लोगों से निवेदन है कि आवाज उठाइए, आवाज बनिए, नहीं तो कभी कोई पत्रकार सच नहीं लिख पाएगा, कभी किसी दबे कुचले की आवाज कोई नहीं उठा पाएगा। कृपया साथ दीजिए, एक बार साथ दीजिए और मेरे परिवार और मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए और ये आप लोगों के हाथ में है। यदि आप एक बार साथ देंगे तो निश्चित तौर पर हमें और हमारे परिवार को सुरक्षा जरूर प्रदान की जाएगी। धन्यवाद, प्रणाम।